आज 14 डे है, तो आपको क्या करना है, अपना वार्म अप कम्प्लीट करना है। वर्कआउट सेशन को स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है अपनी, ठीक है, तो पोजीशन लेना है, देन 1 2 3, ठीक है, जंपिंग जैक्स एक्सरसाइज है अपनी, तो स्टार्ट करेंगे अपन, पोजीशन लेंगे, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, रिलैक्स, 20 सेकंड रेस्ट, आपको ड्यूरिंग द वर्कआउट पानी पीते रहना है, फटाफट अपना रेस्ट कंप्लीट होते ही अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड सेट, पोजिशन सेकंड सेट स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, पानी पीते लीजिए। चलिए लास्ट सेट, पोजीशन स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, रिलैक्स, फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट, 1 मिनट रेस्ट लेंगे, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ड्यूरिंग द वर्कआउट आपको पानी पीते रहना है, आपकी वाटर बॉटल आपके पास में होनी चाहिए, और आपको इस तरीके से मैट यूज़ करनी है, प्रॉपर ड्रेसअप पहनना है, आप शूज़ पहन के वर्कआउट कीजिए, घर पे भी कर रहे हैं तो आप अपने आपका इन्वायरमेंट इस तरीके से बनाइए कि आप उस फील के पाए, उस एनवायरमेंट में अपने हेल्थ को अच्छा कर पाए, तो आपको शूज़ पहनने हैं वर्कआउट करते वक्त, आपका मैट यूज़ करना है, आपको अपनी ड्रेस प्रॉपर ड्रेसअप में आना है, जिससे कहीं ना कहीं आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर पाए, खुद से भी कर रहे थे ना, क्योंकि एक मोटिवेशन एक अलग फील कर पाते हैं अपन। नेक्स्ट एक्सरसाइज कैसे करनी है वो देखेंगे, आपको इस तरीके से नीज पे बैठना है, ठीक है, नीज पे बैठने के बाद, ठीक है, दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है, देन एक पैर को उठाओगे, फिर दूसरे पैर को उठाना है, देन वापस से टच करना है, ठीक है, पोजिशन लेंगे, स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, 20 सेकंड रेस्ट, ध्यान रखिए इसमें आपको पूरा खड़े नहीं होना है, आपको उतना ही खड़े होना है, स्क्वाट्स वाली पोजीशन में ही रहना है ना, आप पहले वाले वर्कआउट सेशन से अभी तक करते हुए आ रहे होंगे, तो आई होप आप इस वर्कआउट सेशन को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड सेट, दोनों पैरों में गिप बना के नीज को रखिए नीचे, देन स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, रिलैक्स, 20 सेकंड रेस्ट, फिर लास्ट सेट करेंगे, पानी पीते लीजिए, तो ब्रीथिंग ज़्यादा चलती है, दोनों हाथों को हिलाइए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, लास्ट सेट, पोजिशन, दोनों पैरों में गैप, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ की वर्कआउट है। 1 मिनट रेस्ट लीजिए, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपन। कैसे करना है? नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी रहेगी माउंटेन क्लाइंब, हाई नीज। हाई नीज कैसे करते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। दो कंडीशन है आपके पास, या तो आप जम के साथ कर सकते हैं, ठीक है, या आप इस तरीके से, जैसा अपना वर्कआउट सेशन बिगनर है तो अपन इस तरीके से करेंगे, ठीक है। बाकी आप चाहें तो आप जम के साथ ही कर सकते हैं। पानी पीजिए, फिर लास्ट सेट करेंगे, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये वर्कआउट सेशन सेम मेरे लाइव वर्कआउट सेशन जैसे हैं, इसमें मैं कहीं ना कहीं समय आपको कम दे रहा हूँ, पर उस वाले सेशन में मैं कहीं ना कहीं आपको पूरा 1 घंटा देता हूँ, जिससे कहीं ना कहीं आपको और बेटर रिजल्ट मिल पाए, मैं आप पे पूरा ध्यान दे पाऊँ, क्योंकि आपको एक पर्सनल कोच की ज़रूरत रहती है, एक ट्रेनर की ज़रूरत रहती है जो आपको गाइड कर पाए। जैसे आपको अगर स्कूल जा रहे हैं तो एक टीचर की ज़रूरत रहती है ना। चलिए फर्स्ट सेट कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स, 20 सेकंड रेस्ट, वॉक कर सकते हैं आप, फिर सेकंड सेट करें। चलिए सेकंड सेट पोजीशन स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। जितना हो सके लेग्स को ऊपर लाइए, इससे कहीं ना कहीं आपका वर्कआउट अच्छे से हो पाएगा। लास्ट सेट करेंगे, पानी पीजिए। चलिए पोजीशन स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। वन मिनट रेस्ट है अपना, कंप्लीट करेंगे। 1 मिनट रेस्ट पूरा कर लीजिए। पानी पीजिएगा, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपनी फोर्थ एक्सरसाइज इस वर्कआउट सेशन की, जिससे मैं आप कहीं ना कहीं अपना बेटर रिजल्ट बना पा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अपना डाइट प्लान भी अच्छे से फॉलो करें, आप अपनी स्लीप भी प्रॉपर करें, पानी भी प्रॉपर पीजिए, क्योंकि आप ऐसा मत कीजिए कि आपको अगर ठंड का मौसम है तो पानी कम पियेंगे, नहीं, आपको अपना मेजर करना है अपना पानी कितना जा रहा है, अपना डाइट क्या ले रहे हैं आप पूरा मेजर करना है, ठीक है। एक्सरसाइज से पुशअप्स कैसे करना है आपको, ठीक है, सिंपल है, आपको अपनी मैट पे जाना है, मैट पे बैठना, नीज पे बैठना है, नीज पे बैठने के बाद दोनों पैरों को क्रॉस में करेंगे पीछे से, फिर आपके हाथों की जो पोस्चर है, शोल्डर जितना गैप रखेंगे दोनों हाथों में, देन आपका जो हाथ है उससे आपका शोल्डर को पैरेलल ले जाना है इस तरीके से आगे, देन आप नीचे जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स, 20 सेकंड रेस्ट, फिर सेकंड सेट करेंगे। आपको ड्यूरिंग द वर्कआउट पानी पीते रहना है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, ठीक है। कितनी बार अपन ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, इसकी वजह से अपना रिजल्ट नहीं आता है, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सेकंड सेट सेम कंडीशन में हाथ रखिए, वापस बॉडी को आगे ले जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स, 20 सेकंड रेस्ट, फिर लास्ट सेट करेंगे। पानी पीजिए, आप वॉक कर सकते हैं या अपनी ब्रीथिंग और नॉर्मल हो सकते हैं,
लास्ट सेट पोजिशन एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. रिलैक्स, 1 मिनट रेस्ट। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, जैसा कि आपको पता है अपनी लास्ट एक्सरसाइज अपन कोर की करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपकी कोर मसल भी अच्छी हो जाती है। पानी पीजिए, वॉक करें, अगर आपके पास मैट नहीं है तो मैट लेके आ जाइए, जिससे अपन लास्ट एक्सरसाइज अपनी एप्स की करेंगे। कैसे करना है देखेंगे। मैट पे जाना है इस तरीके से, देन दोनों पे हाथ को ऊपर ले जाना है, फिर एक हाथ पीछे ले जाते हुए ऊपर आना है। 1, 2, 3, ठीक है। फुल क्रंचेस कहते हैं, आप चाहें तो जितना आपकी बॉडी उठा पाए उतना उठिएगा, पर आप जितना पूरा उठने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं आपके कोर मसल्स पे लोड आएगा। और मेरा हिसाब से आपको अपनी बॉडी का फोर्स नहीं लगाना है ना, देखिए जितना इजीली उठेंगे उतना लोड आएगा। स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10। रिलैक्स, 20 सेकंड रेस्ट। पानी पीजिए या थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। आप लेट भी सकते हैं इस तरीके से, जिससे आपका हाथों को पीछे ले जाइए और लंबी सांस अंदर लंबी सांस बाहर। चलिए सेकंड सेट करेंगे। पोजीशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पानी पीजिए और लास्ट सेट करेंगे फुल एनर्जी के साथ, ठीक है। आई होप वर्कआउट सेशन आप पूरा कर रहे हैं, चीटिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। भले ये यूट्यूब पे है पर आप पूरा एंजॉय कीजिए। लास्ट सेट पोजीशन स्टार्ट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपना वर्कआउट सेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, अपना स्ट्रेचिंग कंप्लीट करना है, क्योंकि जो वर्कआउट से पहले अपना वार्म कंप्लीट स्ट्रेच वार्म करना जरूरी है, तो वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करना भी जितना जरूरी है, क्योंकि आपका मसल्स का रिलैक्सेशन जरूरी है, जिसका आपका ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाए, आपकी बॉडी रिकवरी अच्छे से हो पाए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का वर्कआउट सेशन आपको पूरा 1 घंटे का चाहिए लाइव सेशन, जिसमें मैं आपको अच्छे से गाइड करूं, तो आप मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक गूगल फॉर्म का लिंक है, जहां पर आप फॉर्म को फिलअप करके मैं आपसे 1-to-1 बात करूंगा और कहीं ना कहीं आपको बेटर रिजल्ट मिला पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं वर्कआउट सेशन आपके लिए इनफ है, आपको डाइट प्लान की नीड है, तो आप डाइट प्लान के लिए मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको डाइट प्लान प्रोवाइड करा सकता हूं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही, तो आप इसको लोगों को लाइक कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।